जी सर, जी सर, देखिए लाइव आना शुरू हो गया होगा जी, जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे वैसे लाइव का वो लाइव क्लास दिख रही होगी। दिखा सर आपको? आप उसको क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे, मैं अभी आप ही से बात कर रहा हूं तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा जी। दो तीन मिनट लेते हैं फिर लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सारे लोग आ जाने थे, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस करने थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एचसी वर्मा के क्वेश्चन है उसकी थ्योरी मैंने पहले से ही अपने जो आपके गॉसेस लॉ के लास्ट के तीन वीडियो है उनमें आप देखिए 6th, 7th और 8th में वो सारी की सारी थ्योरी मैंने दी है। तो उसका रेफरेंस लेकर ही ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता भी है तो वो वापस से वो वीडियो जाकर देखे, उसमें वो सारे के सारे फॉर्मूले और डेरिवेशन लिखे हुए, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर सभी बच्चों के पास मेरा है, मेरे को आप लोग कॉल करके कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हम लोग आज 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? वो आप लोग नोट कर लीजिए किन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और उसका रीजन ये है, एक टॉपिक और आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ने के बाद ये गॉस थ्योरम उसमें यूज होगी, तब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। अभी करवाया तो जा सकता है लेकिन आपको दिक्कत आएगी, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लें फिर से, क्वेश्चन नंबर 12, 21, 22, 23, 24। ये 5 क्वेश्चंस आज हम नहीं कर रहे हैं। कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, टॉपिक होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और फिर इसके बाद हम लोग डाइपोल पर आ जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे आपको 4-5 वीडियो मिलेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे डाइपोल पर, डाइपोल पर कुछ वीडियो मिलेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तब ये हम कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे। तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे आपको एचसी वर्मा में क्वेश्चंस नहीं, वो मॉड्यूल और वर्कबुक के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी होमवर्क आज आपको मिलेगा, फिर हम उसका डिस्कशन प्लान करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो हुई एक इंफॉर्मेशन। इसके बाद आप सारे के सारे लोग होमवर्क नोट करिए, एनसीईआरटी चैप्टर 1, फिजिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर 1, इसका आपका डिस्कशन होना है। शेड्यूल अभी आपको नया मिला है, आज ही मैंने व्हाट्सएप आपको किया है, जो हेड ऑफिस से आया हुआ है। तो शेड्यूल को देखकर जिस दिन आपका ब्रेक है, शायद कल या परसों, मतलब विद इन 1, सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक? अच्छा, एक्सरसाइज के अलावा जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो भी, तो होमवर्क में आप लोग नोट करिए, चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 ऑल सॉल्व एग्जांपल्स प्लस जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये हमारा होमवर्क है। तो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि डिस्कशन की टाइमिंग क्या है चैप्टर 1, ठीक है? अब काफी लोग आ गए तो हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। आप सारे लोग एचसी वर्मा अपने सामने रखिए, मैं कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रहा हूं, ठीक है?
तो शुरू करते हैं, एक मिनट रुकिएगा सेटिंग। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कोई भी बच्चा अभी कॉल नहीं करेगा। आप सारे लोग के पास मेरे नंबर हैं, नंबर मैं फिर भी लिख दे रहा हूं इनकेस अगर कोई नया बच्चा हो, 9311447789। आप इस पे केवल और केवल व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करोगे। अभी जब तक क्लास चल रही है तब तक आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन। गिवन बाय वेक्टर आई कैप जे कैप आपको दिया है, ई नॉट की वैल्यू दी है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब मैंने आपको बताया कि वाई जेड प्लेन क्या होगा, अगर हम यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पर अगर हम वाई एक्सिस लेट करें तो ये जो बोर्ड का परपेंडिकुलर होगा, ये बोर्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड एक्सिस। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये हुआ प्लेन वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, अलोंग एक्स। तो जो एरिया वेक्टर है उसे आप लिखें अगर, तो एरिया वेक्टर आपका आ रहा है 0.2 मीटर स्क्वायर, यूनिट आपकी एसआई सिस्टम में है, 0.2 आई कैप। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, ठीक। तो आपको अब फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला है, फ्लक्स होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए में आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। यहां पर केवल आई है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना रिजल्ट आने वाला है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 5 इनटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻³। यहां पर आप 2 × 10³ लिखिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यूनिट सबको पता ही है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट केवल यूज होना था, सबने लिख लिया होगा, ठीक। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में है, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ लेंथ एल विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. ये मैंने question आपको करवाया है, जिन्होंने video देखा होगा। अब यहाँ पर छोटा सा change ये है कि ये मैं आपको cube का front view ले रहा हूँ, ठीक है। तो cube की side इधर, board के बाहर, फिर इधर 5 faces और होंगी, वो आप खुद से assume करिए। अब लिखा है a capital Q charge is uniformly जिस rod पर distributed of length L, रॉड की क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। अब आपको यहां पर मिनिमम फ्लक्स बताना है, ठीक है। हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए बात कर सकते हैं। देखिए मिनिमम लेंथ होगी एल बाई टू, इससे छोटी लेंथ क्यूब में नहीं आ सकती, और मैक्सिमम लेंथ क्या होगी ये, ठीक है। तो आपसे अगर मिनिमम फ्लक्स पूछा गया है तो मिनिमम साइड एल बाई टू, चार्ज डेंसिटी आप यहां से कैलकुलेट करें, लैम्डा इज इक्वल टू Q by L, ये हो गई चार्ज डेंसिटी। अगर आधी रॉड क्यूब के अंदर है तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा, बताने की जरूरत है, Q by 2। अगर चार्ज इनक्लोज Q by 2 है तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी Q enclosed upon epsilon naught, ठीक है, नोट करिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का, तो आंसर हो जाएगा Q by 2 अपॉन क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नोट करिए। डन। अगर इसी पर मैक्सिमम फ्लक्स पूछा जाता, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
अगर इस पे मैक्सिमम फ्लक्स पूछा जाता तो आप लोग जरा मेरे को आंसर दीजिए, मैक्सिमम फ्लक्स कितना आएगा। देखिए इसमें जो मैक्सिमम जो लेंथ एनक्लोज हो सकती है वो है डायगोनल ऑफ द क्यूब, और डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है रूट थ्री एल। सेंटर पे अगर रॉड का एक पॉइंट है तो ये जब डायगोनल के अलोंग आप शो करोगे तो ये रूट थ्री बाई टू हो जाएगी। तो इस प्रपोर्शन में चार्ज आ जाएगा रूट थ्री क्यू बाई टू, ठीक, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। ये मैंने स्टेटमेंट आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट चार्ज जीरो होगा। इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। ये मैंने अपने वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, केवल स्टेटमेंट लिखवाया है, समझिएगा। देखिए, पहली चीज है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना पास होगा। जितनी फील्ड लाइंस एंटर होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट होंगी। तो यहां से अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और ये क्यूब है तो क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप इसका एरिया ए स्क्वायर लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यहां पर फ्लक्स क्या होगा, प्लस ई ए, और नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये तो इसका है आंसर, और आपको शो करना है तो ये एक एग्जांपल से शो कर सकते हो। अब इसका विजुअलाइजेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सारे लोगों को मैंने एक नल वाला एग्जांपल दिया था, अगर याद हो सभी को, उस एग्जांपल से जरा देखते हैं। ये तो हो गया इसका। अब अंदर Q enclosed जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स बराबर होता है Q upon epsilon naught। समझिए, मान लीजिए कि ये पानी की धार है, और मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अगर यहां पर आप बकेट रखते हैं तो आप ये पता करेंगे कि यहां से मतलब बकेट में कितना पानी आ रहा है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है और आप कोई सरफेस लेते हैं तो फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने सरफेस ली है उसका एरिया कितना है, जैसे कि ये। लेकिन आपको अगर पता करना है कि नल से पानी कितना निकल रहा है तो आपको पहले पूरे के पूरे टैप को एनक्लोज करना पड़ेगा ऐसे, और टैप को एनक्लोज करने के बाद अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टैप का साइज क्या है, शेप क्या है, किसी भी शेप का टैप हो, नल को आप किसी भी शेप के बर्तन से एनक्लोज करें तो इसमें आने वाला पानी इस बात पे डिपेंड करता है कि नल की स्ट्रेंथ क्या है। नल की स्ट्रेंथ का मतलब है कि नल से पर सेकेंड या पर मिनट या पर आर कितना पानी निकल रहा है। जितना पानी नल से आ रहा है उतना ही बर्तन में भरेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी, अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर ये पानी की धार है और आपने एक बर्तन लिया ऐसा, इसने नल को पूरा का पूरा एनक्लोज कर लिया। अब आप सोच के देखो, इसके ऊपर भी ढक्कन नहीं है और नीचे जो बकेट का बॉटम है, वेसल का जो बॉटम है वो भी नहीं है, ठीक है। ये बाउंड्री है, साइड वॉल स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हम लेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें से बोला जाए कि इसमें पानी कितना स्टोर होगा, तो जितना पानी इसमें एंटर होगा उतना ही एग्जिट हो जाएगा। ये इस चीज को एंश्योर कर रहा है कि जितना पानी आया उतना एग्जिट हुआ। इसका मतलब है कि यहां पर कोई अंदर चार्ज का सोर्स एनक्लोज नहीं है, क्योंकि अगर कोई चार्ज का सोर्स यहां पर एनक्लोज होता तो इसमें से नेट पानी निकल रहा होता या नेट पानी आ रहा होता, ठीक। एक मिनट रुकिएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ जी, ठीक। और 5 लीटर ही पानी निकल गया, डन। तो जितना फ्लक्स आया उतना निकल गया, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना फ्लक्स एंटर उतना। ये इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि यहां पर किसी भी तरीके का
कोई सोर्स एनक्लोज नहीं है। अब अगर यहां पर एक ऐसा नल लगा दे जिससे पानी निकल रहा हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर पानी निकालने की, तो ऊपर से पानी आ कितना रहा है 5 और नीचे जा कितना रहा है 8 लीटर। अब यहां से इस बर्तन में अगर आप देखें 5 लीटर आ रहा है और 8 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब निकलने वाला जो लिक्विड है वो ज्यादा है, कितना 3, और 3 लिक्विड अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई सोर्स एनक्लोज्ड है। ये विजुअलाइजेशन है। अगर नेट फ्लक्स है तो इससे ये पता चलेगा कि कोई ना कोई सोर्स एनक्लोज्ड है, ये इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सोर्स नहीं होता तो ये सोर्स कहीं बाहर है, 5 लीटर पानी आ रहा है, 5 लीटर निकल जा रहा है, आने वाला फ्लक्स जाने वाला फ्लक्स बराबर है। लेकिन अगर कोई सोर्स एनक्लोज्ड होगा तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स डिफरेंट होगा। यहां पर ऊपर वाली सरफेस से जो लिक्विड एंटर कर रहा है वो 5 है, लेकिन लिक्विड निकल रहा है 8। ज्यादा लिक्विड कैसे निकल रहा है, इसका मतलब कोई सोर्स होगा जो एक्स्ट्रा लिक्विड दे रहा है, और वो सोर्स कहां होगा, इस बाउंड्री के अंदर एनक्लोज्ड होगा। तो अगर किसी सरफेस से नेट फ्लक्स है तो वो इस चीज को इंश्योर करता है कि क्यू एनक्लोज 3 का। इसको आप अच्छे से नोट करिए और स्टेटमेंट लिखिएगा जो जो चीजें मैंने यहां पर बोली, नोट करिए इसे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये पानी वाला एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको सोर्स की स्ट्रेंथ नहीं पता है तो आप देखिए, आने वाला पानी 5, ये जाने वाला पानी दिया जाए तो आप बता सकते हो कि सोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, 3 लीटर। मैंने तो सारा वैल्यू देकर, आप मतलब कुछ भी अननोन मान के कैसे भी इसकी रीजनिंग आप दे सकते हैं, कोई भी एक चीज आप अननोन लेट कर लीजिए। तो हो सकता है सोर्स की स्ट्रेंथ पूछी जाए, हो सकता है आउटवर्ड फ्लक्स पूछा जाए, हो सकता है इनवर्ड फ्लक्स पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी का एक सॉल्ट एग्जांपल है जिसमें बताया था अल्फा रूट ए रूट एक्स, ये क्वेश्चन था सॉल्ट एग्जांपल, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है, उससे आसान ही है। बल्कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर में फील्ड आपको गिवन है ई नॉट अपॉन एल एक्स आई कैप, ई नॉट अपॉन एल एक्स आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन चार्ज कंटेन इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम, एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, इस क्यूबिकल वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज्ड है। x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = इसका मतलब यहां पर जो आप एक्सिस लेट करेंगे एक्स वाई और ये कुछ ऐसा आप जेड एक्सिस लेट कर लें, ठीक है, कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। बड़ा सिंपल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन दी है और एरिया की इंफॉर्मेशन, फ्लक्स से पता चल जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा के कि क्यू एनक्लोज्ड कितना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के अलोंग है तो फील्ड एंटर करेगी और एग्जिट करेगी, ठीक है, ये आगे जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। एक सरफेस x = 0 पर है, अगर एक सरफेस x = 0 पर है तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 0, यानी कि इनवर्ड फ्लक्स है ही नहीं। ये मैंने जो एरो बनाया है वो आपको समझाने के लिए। अब जब यहां पर मैंने वैल्यू डालना शुरू किया तो पता क्या चला, यहां पर एरो नहीं आएंगे, एरो नहीं आने का मतलब है फील्ड ही नहीं है, तो यहां पर फ्लक्स नहीं होगा। अब यहां बात करिए, ये है L = 2 cm, A = 1 दे रखा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप पता करें E0 / L (A), फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है, इस एक्स पर फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप यहां से फ्लक्स पता कर लो, ये है आउटवर्ड फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ए इनवर्ड फ्लक्स जीरो आउटवर्ड फ्लक्स, केवल फ्लक्स निकल रहा है। अभी जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया उससे समझो, ये था एक बर्तन और सोच के देखिए इसमें ऊपर से पानी नहीं आ रहा है और बस नीचे से पानी निकल रहा है। अब सोच के देखो ना, इस बर्तन से पानी निकलने का क्या मतलब है कि कोई ना कोई यहां पर सोर्स है, और वो कैसे पता करोगे? नेट फ्लक्स आपका दिस और दिस, केवल ये वैल्यू आएगी, तो ये नेट फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू आपको दी है 5 × 10⁻³, ए की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10⁻³, क्योंकि क्यूब है ये, डायमेंशनली कटेगा नहीं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर क्या लोगे? 2 सेंटीमीटर, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके क्यू एनक्लोज आ जाएगा। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी के दो सॉल्ट एग्जांपल हैं, मैंने करवाए हैं एनसीईआरटी के दोनों सॉल्ट एग्जांपल, लिखिए जल्दी से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिख लिया, क्वेश्चन नंबर शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये ओरली हो जाएगा, ठीक है, वो जो आपको मैंने वीडियो बताया वहां से लिखा है। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड, हम क्या पढ़ते हैं कि क्यूब के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखोगे तो क्यूब की सारी साइड्स क्या होंगी? सिमेट्रिक, ठीक। तो जो चार्ज सेंटर पे रखा है, हमें पता है कि पॉइंट चार्ज जो फ्लक्स देगा या जो इलेक्ट्रिक लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो रेडियल ड्रॉ करते हैं, और 6 की 6 साइड सिमेट्रिक है, तो टोटल फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी चार्ज का टोटल फ्लक्स लिंक होगा, तो आप फ्लक्स की वैल्यू लिखोगे क्यू अपॉन 6, ठीक है। बोला गया है अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको याद हो, एक आपको क्यूब स्क्वायर दिया है और a by 2 दूरी पर चार्ज है, a by 2 सेंटर से a by 2 दूरी पर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना देगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 6 की 6 साइड से कितना देगा? होगा, कई सारे लोग इसको इंटीग्रेशन से करने की कोशिश, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, जितना आपने मैथ सीखा है उसके हिसाब से नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल मत सोचना सर इसको कसम खा के बैठे, ना ना भाई ऐसी कसम नहीं खाना। एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब आते हैं 7 पे, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, तो थर्टी का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट अ डिस्टेंस 2 आर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है। देखना, स्फीयर के जो अंदर रखा है चार्ज उससे फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो बाहर रखा है उससे जो भी फील्ड निकलेंगी वो स्फीयर में कहीं से एंटर होंगी और कहीं से एग्जिट होंगी, तो जो बाहर रखा हुआ चार्ज है वो क्यू एनक्लोज्ड में शामिल ही नहीं होगा, और अगर क्यू एनक्लोज्ड में नहीं इंक्लूड होगा तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू केवल सेंटर पे रखे हुए चार्ज की हुई, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको ये बोला गया है एक स्फीयर है, पड़ेगा पहले एक के लिए समझ लेते, इसका फ्लक्स निकलेगा नेट आउटवर्ड ही है, ठीक है, डन। अब अगर इसके फ्लक्स की बात करोगे तो जो चार्ज बाहर रखा है इसकी फील्ड लाइन देखो, यहां से एंटर और यहां से एग्जिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो किसी एरिया से लिंक होती है वो फ्लक्स बताती है, ये फील्ड लाइन यहां से ये होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप सारे लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने वीडियो में करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? ऑब्जेक्टिव 2, पेज नंबर 140, पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने वीडियो में करवाया है ना ये क्वेश्चन, इसको देखिएगा आप समझ जाएंगे, ठीक है।
वैसे तो ये भी रीजनिंग काफी आसान है। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने करवाया है। तो जो पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज फील्ड देता है रेडियल, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्री होती है। पॉइंट चार्ज टाइम के ऊपर उतनी फील्ड लाइंस नीचे। तो अगर ये सेंटर पे रखा है तो ऊपर से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, नीचे से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन टू। अब यहां पर आप बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की, जो चार्ज क्यू सेंटर पे रखा है उसका स्पीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक लाइंस एसोसिएट होंगी, नीचे वाली आधी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स हो जाएगा नीचे वाले हेमिस्फीयर से पास होने वाला कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सिक्स क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब ये आया थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर दिया है तो आप चार्ज पता कर लोगे। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो दे रखा है 7 × 10⁻¹⁵. Assume that positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the electric field surface of the nucleus, middle of the radius. आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने बोर्ड के डेरिवेशंस करवाए हैं, स्कूल लेवल के डेरिवेशन करवाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, केस वन एक्स लेस देन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी पार्ट रेडियस के आधे पर, तो यहां पर रख दो आर बाई टू, आंसर आ गया इक्वल टू आर। क्या मैंने ये हो गया एक्स इज इक्वल टू आर। और बाहर के लिए क्या बताया था, अगर आप चार अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पता करनी है, इस स्पीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज है एक्स ग्रेटर देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आपसे ये पहला पार्ट यहां आर बाई टू रख दो, और सॉरी ये दूसरा पार्ट है और ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ये पहला पार्ट है सरफेस पर पूछा जा रहा है और दूसरा आर बाई टू पर पूछा जा रहा है। डन। इसके बाद इसमें एक और लिखा है रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर, आखिरी लाइन क्वेश्चन में जस्टिफाई करने को बोला जा रहा है। रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर, इज इट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड डज नॉट कम टू द आउटर सर्फेस। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर आप एटम के बाहर, ये न्यूक्लियस है, एटम के बाहर इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम यहां पर शो करते हैं, ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर आप यहां पर फील्ड पता करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, यहां फील्ड पता करेंगे तो ये फील्ड क्या आएगी, जीरो। और जीरो आने का मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो गए, बराबर। यहां पर फील्ड आ जाएगी जीरो। दूसरी बात, जैसे ही आप पॉजिटिव से इधर जाओगे फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव रिपेल नेगेटिव अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस से बाहर जाने पर फील्ड कम आनी शुरू हो जाती है, इससे पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल न्यूक्लियस पर रहता है, बस न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता। ये एक्सपेरिमेंटल एक फैक्ट है, आप इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, आपने स्टेटमेंट याद रखे हैं, वहां से आप समझ जाएंगे। न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। पॉजिटिव की फील्ड बाहर, नेगेटिव की फील्ड अंदर, कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएगी। तो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं कि होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 12, 21, 22, 23, 24 ये नहीं करना है, ठीक। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर यूज होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़िए, बहुत ज्यादा आसान। केवल और केवल स्फीयर का केस लग रहा है कि जब चार्ज को आप सरफेस से देखते हैं तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बेरिलियम एटम है जिसमें चार प्रोटॉन है तो प्लस 4e। इसके बाद बोला गया है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में है, माइनस 2e, ये रेडियस हो गई r2, और इसके बाद है r3, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और है, माइनस 2e, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब उसने फील्ड पूछी है तीन जगहों पे, यहां पर, यहां पर, यहां पर। शायद क्वेश्चन का पहला पार्ट है अ पॉइंट जस्ट इनसाइड 1s, 1s के बिल्कुल अंदर। अगर देखिए 1s के अंदर आप फील्ड देखोगे तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड हो रहा है, 4e, और रेडियस कितनी है, 1s की रेडियस है r2। तो पहले पार्ट का आंसर होगा के 4e डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर, क्योंकि अभी ये q इनक्लोज्ड तो आया ही नहीं, और ये स्फेरिकल चार्ज बाहर से देखने पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो सीधे सीधे आंसर आप लिख सकते हो KQ बाई R2 स्क्वायर। और बी पार्ट का है अ पॉइंट जस्ट इनसाइड 2s, क्योंकि 2s ये है, 2s के अंदर कितना चार्ज है, 4e प्लस और माइनस 2e। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, के 2e, रिजल्टेंट चार्ज बचा 2e डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर। ये दोनों आप में केवल और केवल वैल्यूज रखनी है, R3 ये है 2s और R2 जो है वो 1s है, नोट करिए। हेलो सर, मेरी क्लास चल रही लाइव। डन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वैल्यू आपको रखनी 9 × 10⁻¹, ये 1s की डिस्टेंस है, यहां पर आप लिख सकते हो 1s, और ये किसकी डिस्टेंस है, 2s। चार्ज एनक्लोज्ड पता करना था बस। डन, लिख लिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज डेंसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये लाइन चार्ज अगर बोला नहीं गया है तो आपको इंफाइनाइट लेंथ लेना है, और यहां से डिस्टेंस अगर हम एक्स ले, इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या होता है, के लैम्डा बाई एक्स, याद है, साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि 2 sin 90, के लैम्डा बाई एक्स इंटू 2 sin 90, के लैम्डा बाई एक्स इंटू 2 sin 90। तो 2k लैम्डा बाई एक्स, के की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू है 2 × 10⁻¹⁶ आंसर आएगा। रखिए जल्दी से वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ये तो फॉर्मूला है सिंपल, ये केवल और केवल फॉर्मूला है। इसके बाद है क्वेश्चन,
नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या करना है, ये सबने लिख लिया। देखो मैंने जो डेरिवेशंस करवाए हैं यूट्यूब में, जो आप वीडियो देखेंगे उस पे मैंने सिलेंडर पे जो चार्ज डेंसिटी ली है वो सिग्मा ली है, लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है। सिलेंडर पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा देने का क्या मतलब है? ये सिलेंडर चार्ज तो पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर होगा, है ना, ये चारों तरफ पूरे सरफेस पे, लेकिन उसने चार्ज को यूनिट लेंथ पे दिया है, मतलब जो जो वो यूनिट लेंथ लेगा उस यूनिट लेंथ पे जो सर्कल है उस पूरे चार्ज को वो लैम्डा से डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो हम वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले सकते हैं। अगर आपको चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिए आप लोग इसको स्टेटमेंट को लिखिए, जैसे एक स्फेरिकल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, वैसे एक सिलिंड्रिकल चार्ज लाइन चार्ज की तरह बिहेव करता है, अपनी एक्सिस पे रखे हुए लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये सिलेंडर आप रिप्लेस कर दो इससे, ये जो लाइन चार्ज मैंने दिखाया है एक्सिस पे, तो ये सिलेंडर रिप्लेस हो गया, अब आपने मान लिया लाइन चार्ज, क्या लिखोगे? अ सिलिंड्रिकल चार्ज बिहेव्स लाइक अ लाइन चार्ज, कब? अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा की जगह लैम्डा में दिया है तो लेट करना, अगर सिग्मा में दिया है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा में इंफॉर्मेशन दी है, देखिए लिखा है अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी 2×10⁻⁸ कूलम पर मीटर, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इसका क्या मतलब है? अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लाइन चार्ज, देखो फील्ड अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये लाइन चार्ज का पॉइंट प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो फील्ड आपको ऐसे दिखेगी रेडियल, प्लेन पर फील्ड रेडियल है, 3D में रेडियल नहीं है, प्लेन पर। तो जैसे ये लाइन चार्ज है, आप देखिए ये लाइन चार्ज है, तो फील्ड इस प्लेन पर अगर बात करेंगे या टॉप पर बात करें तो फील्ड इधर होगी, फील्ड इस तरफ है, फील्ड इधर है, तो प्लेन पर फील्ड रेडियल दिखेगी यहां पर, ये जो मैंने दिखाया है। फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर आओगे, इसकी फील्ड रेडियल दिखेगी ऐसी, तो जैसे जैसे नीचे आओगे हर किसी की फील्ड हर प्लेन पर ऐसी दिखेगी। इलेक्ट्रॉन एक प्लेन पर रिवॉल्व करेगा तो इसको मिलेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है QE इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R, ठीक है, रेडियस हो गया। अब आप Q पता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2K लैम्डा बाई R, R है ये डिस्टेंस, इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R, R से R कैंसिल, तो V की वैल्यू हो गई 2E K लैम्डा डिवाइडेड बाय M अंडर रूट, और यही डिराइव करने को कह रहा है कि प्रूव करिए कि जो काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, मैंने V निकाल दिया, ठीक है आप पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाएगा E K लैम्डा इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ R आ रहा है, वो दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ R क्यों है, ठीक है, दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ R क्यों है, ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ R आ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 मैंने वीडियो में बताया हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड x लेस देन R पे फील्ड, सरफेस पर फील्ड, सरफेस के बाहर फील्ड, ये मैंने करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करवाया है क्लास में, वीडियो में मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 17, नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये कौन सा है, जो थिक शीट है वो वाला आंसर देखिएगा, थिक शीट का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करवाया हुआ है, थिक शीट का ये डेरिवेशन आप देखिएगा, जो लास्ट गॉस थ्योरम का वीडियो है उसमें, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये सबने नोट कर लिया होगा। यहां पर मैंने स्टेटमेंट जो बोला वो सुन लीजिए, अ सिलेंड्रिकल चार्ज बिहेव्स लाइक
अ लाइन चार्ज इफ इट इज ऑब्जर्व्ड ईदर फ्रॉम द सरफेस और आउटसाइड ऑफ द सरफेस. अंदर फील्ड कितनी होगी? जीरो, अगर चार्ज सरफेस पर है. और सरफेस पर फील्ड कितनी होगी? ये लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा, 2k λ/r, और बाहर 2k λ/x. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में है, अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग अ चार्ज -2×10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड क्लोज्ड टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेट. देखिए, बोला है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. ठीक है, तो एक प्लेन शीट की वजह से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, यानी कि चार्ज केवल सरफेस पे है, वॉल्यूम पे नहीं है, वो नॉन कंडक्टिंग हो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है. तो ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे चार्ज कहां दिया है? सरफेस पे. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. थिन प्लेन शीट की फील्ड, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ प्लेट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एक बार आंसर जरा मैच करिएगा, कहीं इसको ये थिन प्लेन शीट तो नहीं मान रहा है, नॉन कंडक्टिंग से कंफ्यूज कर रहा है. मेरे को आंसर याद नहीं है, आप एक बार अभी सॉल्व करके देखना. सिग्मा अपॉन 2 εप्सिलॉन नॉट से तो आंसर नहीं आ रहा फिलहाल. अब यहां पर हमने फील्ड पता कर ली और लिखा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेट. तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई. चार्ज आपको दिया है 2×10⁻⁶, चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है. जरा यहां पर सॉल्व करके देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आंसर आ रहा है या सिग्मा अपॉन 2 εप्सिलॉन नॉट से आ रहा है? एक बार सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इसमें थिन, थिक या कंडक्टिंग शो नहीं किया है, तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा. सिग्मा की वैल्यू और आंसर अगर मैच नहीं करता है तो आप देखिएगा कहीं सिग्मा अपॉन 2 εप्सिलॉन नॉट तो नहीं लिखा गया है. ठीक है, डन. ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक साथ ही दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, वन एंड ऑफ अ 10 cm लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट एंड द अदर एंड इज फास्टेंड टू अ स्मॉल बॉल having a mass of 10 gram and charge itna. In equilibrium, thread makes an angle 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. ये question भी मैंने करवाया है, बहुत शुरू में करवाया था जब uniform electric field बताया था. देखिए, ये plane sheet है, plane sheet की electric field होगी E. तो जब आप इसके पास कोई charge ball रखोगे तो वो क्या होगी? किसी angle पर. तो इस पे force कितना लगेगा? QE. ये थीटा है और ये क्या है? एमजी, बॉल का वेट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाकर यहां पर वैल्यू आपको लानी है. फिर बोला जा रहा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो एंगल अगर गिवन है, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 60 है तो ये 60 होगा. तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगाओगे? 10 60 इज इक्वल टू QE अपॉन mg. यहां से क्या निकल आएगा? E की वैल्यू. और E का फॉर्मूला प्लेन शीट का है, तो प्लेन शीट का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिग्मा, वहां से पता चल जाएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है. नोट करिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो आपको, जो कॉज है वो दिया गया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस प्लेन शीट की लगाएंगे. नोट करिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए और आंसर, चार्ज डेंसिटी का आंसर पता करिए.
नोट करिए जल्दी, फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डन। ई और ई का फॉर्मूला लगा के आप सिग्मा निकालेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछला चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 50, इसका क्वेश्चन नंबर 20 और पिछले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 50 एक जैसा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये बोला गया है यहां पर फोर्स है QE, यहां पर लग रहा है MG, तो बताइए टेंशन कितना होगा। तो टेंशन तो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, और इनका रिजल्टेंट कितना है, QE स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर, तो ये हो गया T के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला पार्ट यहां से आया। और टाइम पीरियड की बात करोगे, मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 50 इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चैप्टर जैसे पहले वाला है, वहां पर भी यही क्वेश्चन बोला गया है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन यूज होगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर नेट फोर्स एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ये है ए इफेक्टिव। और ये टेंशन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव, ये फॉर्मूला यूज होना है। SHM में आप लोगों ने पढ़ा होगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी नहीं है, यहां पर नेट फोर्स देखो क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए से इफेक्टिव एक्सेलरेशन आप निकालेंगे। ये नेट फोर्स डिवाइडेड बाई एम इफेक्टिव एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर पेंडुलम वर्टिकल होगा तो जी, और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ग्रेविटी के अलावा, तो होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर कोई और फोर्स लग रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालकर क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट कर लिया सभी ने, इफेक्टिव एक्सेलरेशन नेट फोर्स से निकाला और फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव। क्लास में ऐसे SHM में क्वेश्चन हुए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाला जाता है। एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं अगर कोई भूल रहा है, जैसे कि ये एक एलिवेटर है, ये पेंडुलम है, अगर ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए प्लस जी, है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव ए प्लस जी। अगर ये ए से नीचे आ रहा होगा तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जी माइनस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जी माइनस ए। तो ये है इफेक्टिव एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल। डन। अब आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को दोबारा पूछना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप किसी क्वेश्चन को दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। आपके पास नंबर है, आप लोग मैसेज करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या कोई थ्योरी आपको पूछनी हो तो अभी टाइम है, हम लोग कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सअप करें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई थ्योरी अगर आपको पूछनी हो तो आप मेरे को बताइए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, चलिए ठीक है। अगर नहीं पूछना है तो, अगर बाद में आपको आता है तो आप बाद में कोई क्वेश्चन पूछिएगा। अब जैसा मैंने बोला,
आज आपको टाइम शेड्यूल देके मैं कोशिश करूंगा शाम तक ही आप लोगों को एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है वो हम आपको बता दें। एक और प्रॉब्लम आ रही है कई बच्चों का, जब कल क्लास लगी है तो शायद कई बच्चों का उन्होंने रोल नंबर डाला और एग्जिट करवा दिया गया वहां से, मतलब आप लोग कल की क्लास या तो मिस हो गई, नहीं ले पाए, या थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया। उसमें बच्चों एक प्रॉब्लम ये आई है, कई बच्चे क्या कर रहे थे, जब लिंक शेयर किया जा रहा था उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी और नंबर दे दिए, तो या कहीं फ्रेंड्स ने या किसी ने आपका नंबर, क्योंकि उनको सीक्वेंस सीरीज पता चल गई, तो किसी बच्चे ने शरारत करके लॉगिन कर लिया। तो जिन जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई है आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, या तो आपने अपना लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया होगा। देखिए ये जो अभी लाइव क्लास चल रही है ये तो कोई भी देखता है, इसके लिए कोई लिंक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैनल है, इस पे देखा जा सकता है। लेकिन जो वीएमसी हेड ऑफिस से आपको क्लासेस मिल रही हैं वो लिंक से ही चलेंगी, जो बच्चा वीएमसी का है केवल वो ही वो क्लासेस अटेंड कर पाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप लोग अपना लिंक किसी को ना दे। अगर आपने अपना लिंक किसी को दिया तो वो बच्चे ने अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है वो एग्जिट करवा देगा। दूसरी बात, आपको पता होगा 10 मिनट के बाद अगर आपने लिंक ज्वाइन किया तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, अटेंडेंस भी अब हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अब जो अगली क्लास हो उसमें आप मतलब ये गलती ना करें, और जिनको भी आपने बोला हो तो उन लोगों से बोलिए कि वो प्लीज लिंक अब ना मतलब वो लिंक से वो पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि आपने भाई पे किया है और वीएमसी ने ऐसा सिस्टम बनाया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये भी देखो लॉजिकल है, वीएमसी को पता है कि उनको कितना सर्वर लेना है, कितने बच्चों को पढ़ाना है, उसके हिसाब से सर्वर अचानक से लोड आएगा, साइट क्रैश हो जाएगी, वो क्लास खराब हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है। जिन बच्चों जो वीएमसी के स्टूडेंट है केवल वो ही क्लास अटेंड, क्लास जो एनसीईआरटी की है उसका मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा। ओके okay?